अभी तो चुनाव शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर दिखा रहे हैं छोटा छोटा, अभी बड़ी रैली अभी रखेंगे, ठीक है। और अभी देखो बीजेपी सरकार ने कितना बड़ा जनता के साथ घोटाला किया है, 75 पैसे हर व्हील पे रीडिंग पे बढ़ा दिया इन लोगों ने, आम जनता को नहीं पता। मैं चैलेंज करता हूँ हरियाणा सरकार को, नायक सिंह सैनी को, कि अभी कुर्सी पे बैठते ही आप गरीबों को भला करने के लिए बोलते हो, लेकिन आपने गरीबों को बिजली के बिल से 75 पैसे बढ़ा दिए। पहले ही नाकाम है, 2500-2500 रुपये बिजली के 4 कंपनियों को टेंडर दे दिया आपने बिलों पे, 4-4 कंपनी लूटने लग रही हरियाणा को बिजली के नाम पे। ये कौन सी धांधलीबाजी है, मैं कहता हूँ। स्कूलों को तो बेचने वाले ही आपने पता नहीं, पंचायती थोड़ा संभला इन्हें ले ली अपने काबू में, स्कूलों में बच्चे जाते नहीं हरियाणा स्कूलों में, तो ये तो बेचने का प्लान में है उनको। प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देंगे, उन जमीनों को, करोड़ों रुपए की जमीन हरियाणा की, उनको बेच देंगे। जरूरत है, बुलबुल कंपनी आई थी इन लोगों की, 1000 करोड़ रुपया खा चुके हैं शुरू में। 5 साल पहले इलेक्शन में आए इन्हें, हर गांव में महिलाओं को सेंटर खोल दिया हमने, ये खोल दिया उसको, 1000 करोड़ रुपया घोटाला करके हम उसको बुलबुल कंपनी को बंद कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल वो शख्स बंदा नहीं है, ये हकीकत में जो करता मोहल्ला क्लीनिंग की, ये हकीकत में खोलता है और हकीकत में वहाँ दवाई मिलती है। जो सरकारी जो स्कूल है यहाँ पर, उनकी स्थिति कैसी देखते हैं? उनके डाउन है। यहाँ क्या चाहते हैं? यहाँ तो सरकारी स्कूल मजबूत होना चाहिए, आम आदमी पार्टी आ जाए तो सरकारी स्कूल की सुविधा हो जाए। जो पंजाब और दिल्ली में मुफ्त बिजली और सुविधाएं दी जा रही, क्या हरियाणा में भी होनी चाहिए? होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी आई वही करे, और कोई पार्टी तो करे ही। पंजाब में और दिल्ली में जो काम हुए हैं उनको देखते हुए हरियाणा में आम आदमी पार्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा में बिजली से लोग त्राई त्राई कर रहे हैं, बिजली की बहुत ज़रूरत है, बिजली के कटों की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। और एक बिल जो है ना, आज घर का बिल 7 यूनिट के हिसाब से आता है, जो कि बहुत ज़्यादा है आम पब्लिक के लिए। हरियाणा में तो सुरक्षा के लिए हम इवन शाम के टाइम कहीं बाहर निकलना चाहे तो बाहर निकल नहीं पाते, बीजेपी का टाइम में ऐसा हाल हुआ है। स्कूलों की प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, किसी भी जगह पे जाओ बहुत बुरा हाल है। और आम पब्लिक का को बच्चा यदि सरकारी स्कूल में जाना चाहे तो उसमें कोई सुविधा नहीं। हाँ, आम आदमी की पार्टी की सरकार आ सकती है, क्योंकि लोग बीजेपी से बहुत त्रस्त हैं ना, तो मतलब लोगों को रोजगार मिल रहा ना, जैसे पानी है गांव में, पानी आ रहा, जैसे पानी भी नहीं, बिजली भी मतलब पूरी 24 घंटे नहीं मिलती, 15-16 घंटे बिजली मिलती है, तो लोग और सरकारी स्कूलों की जो हालत है वह खस्ता भरी है। लोग अब अपने बच्चों को मतलब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे मतलब व्यक्ति पर बहुत सारा बोझ पड़ता आज के टाइम में। हरियाणा में मैं भी जैसे बिजली फ्री हो जाए, बसों में यात्रा फ्री हो जाए, मतलब पानी भी फ्री हो जाए, यही हम भी चाहते हैं। सर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक भी खुले हुए हैं, मोहल्ला सिटी बसें भी चल गई हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर एक कंडक्टर हूँ दिल्ली में, तो यहाँ पर भी ज़रूरत है। ज़रूर, हाँ, अगर आम आदमी पार्टी आए और यहाँ पर लोगों को मोहल्ला क्लिनिक और मोहल्ला सिटी बसों की तरह यहाँ पर भी फ्री यात्रा और फ्री बिजली और रोजगार पर, सबसे मेन है सर हरियाणा में रोजगार की बुरी दुर्दशा हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा। हम सबसे ज़्यादा युवा साथी हाँ, और युवा साथियों की ओर से मैं जो कह रहा हूँ, यहाँ पर रोजगार की बड़ी कमी है, रोजगार के लिए आम आदमी पार्टी की ओर आस करा हाँ, अगर दे दे तो जरूरत है। बिजली फ्री होनी चाहिए, स्कूल अच्छे बनने चाहिए, हर चीज़ अच्छी बननी चाहिए, स्कूल टूटे फूटे हैं वो अच्छे बनने चाहिए, और बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है वो फ्री होना चाहिए। दुखी हैं जी, क्यों प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पैसे लेते हैं, और ये ऐसा करो कि भी बच्चे सबके प्राइवेट में पढ़ें।